आइए डिस्कस करते हैं कि आर किस चीज पर डिपेंड करता है। आर डिपेंड्स ऑन, यहां से क्लियर है कि आर डिपेंड्स अपॉन एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल को अगर बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, आर इंक्रीज होगा। अब देखिए कि अगर कंडक्टर में कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हो, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगना है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। नाउ इफ एल इज लार्ज, लेंथ इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, मीन्स मोर नंबर ऑफ कोलिशंस। और कोलिशंस ही ऑफर करती हैं रेजिस्टेंस को। मोर नंबर ऑफ कोलिशंस मीन्स मोर रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, आर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से क्लियर है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे? अब अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। अब करंट क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन में से इन इन यूनिट टाइम, तो मीन्स ज्यादा चार्ज पास हो रहा है। मोर चार्ज मीन्स मोर करंट, एंड मोर करंट मीन्स लेस रेजिस्टेंस। मीन्स अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। नंबर थ्री, हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम लिखते हैं कांस्टेंट रो। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रो इनटू एल ओवर ए। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इधर आर, ये आर, एल ओवर ए, इधर एल ओवर ए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू रो। रो इज इक्वल टू एम इनटू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो थर्डली, आर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड टाउ, क्योंकि ये एम और ए ये कांस्टेंट हैं फॉर ऑल मटेरियल्स। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो बच्चों, आपने समझा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू दिस। बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।